राधे राधे सभी को। आज हम आपके लिए गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। एक बार गणेश जी महाराज चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने, किसी ने खीर नहीं बनाई। एक बुढ़िया आती बोली, ला मे बेटा मैं खीर बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो गणेश जी बोले, कहाँ जा रही हो माई? बुढ़िया बोली, मैं बर्तन लेने जा रही हूँ, किसी से बर्तन मांग के लाती हूँ। तो गणेश जी बोले, घर के अंदर जाके देखो, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात वही है। तो बुढ़िया ने अंदर जाके देखा, सच में सब कुछ था। बुढ़िया ने चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जरा जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा खाना खा ले। विनायक जी बोले, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी क्यों की? बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, खाओ और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो गांव वाले चर्चा करने लगे कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोंपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले का भी भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाए गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतनी देर में दीवार चिल लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और गिर जाए, चिने और गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया? वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बना तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और गिर जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बना के दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना, गणेश जी सबको कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे। गणेश जी की तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती कि सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाती हो, मैं घर का काम काज झाड़ू पोंछा कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा कि मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी के इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। ये गणेश जी महाराज, जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसा सब किसी को देना। बोलो गणपति।